सो हेलो गाइस, एंड चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको तीन कॉलेज दिख रहे होंगे, तीनों कॉलेज के हम प्लेसमेंट को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। क्योंकि देखिए आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपको दो चीजें देखनी होती हैं। फर्स्ट कि आप कितनी वहां पे इन्वेस्ट करोगे एज ए फीस, एंड कितना आपको रिटर्न देगा एज ए प्लेसमेंट, राइट। तो ये चीज आपको देखनी होती है जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो यहाँ पे हम तीन कॉलेज को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज, ये कॉलेज आपको बीएमएस एंड बीबीए कोर्स ऑफर करता है, राइट। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, ये कॉलेज भी आपको बीएमएस कोर्स ऑफर करता है, एंड केशव महाविद्यालय ये भी आपको बीएमएस कोर्स ऑफर करता है, राइट। तो इन तीनों कॉलेज की प्लेसमेंट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अब बीबीए बीएमएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम आपकी पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन भी करवाते हैं, राइट। आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर सिर्फ आपको हेलो सेंड करना है, एंड कोर्स की जितनी भी डिटेल्स है सभी आपको शेयर कर दी जाएंगी, राइट। साथ में आपको डेमो वीडियोस मिल जाती हैं, एंड अगर आपको डेमो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप भी हमारे साथ इनरोल कर सकते हो, एंड आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, राइट। एंड चलिए बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात आती है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, राइट। ये कॉलेज इंडिया का नो डाउट नंबर वन कॉलेज है फॉर बीबीए एंड बीएमएस कोर्सेज के लिए। सो यहाँ की अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे हमने दो साल की प्लेसमेंट्स ली है। फर्स्ट आपकी 20 एंड 21 इयर्स की, एंड 21 एंड 22 ईयर की, राइट। दो साल की प्लेसमेंट्स है। तो देखिए 20 एंड 21 का जो हाईएस्ट पैकेज था वो था यहाँ पे 19.25 एलपी है। तो पैकेज, हाईएस्ट पैकेज काफी बढ़िया इस कॉलेज का है। एंड बात करें यही हम एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज था आपका 8.32 एलपीए का, राइट। तो एवरेज पैकेज भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे 21 एंड 22 की, तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज काफी बढ़िया आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि है 36 एलपीए, राइट। उसके अलावा एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ भी एवरेज पैकेज है 9.88 एलपी है। तो एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज काफी बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, राइट। तो पैकेज काफी बढ़िया है, एंड एक कॉलेज भी काफी बढ़िया है, आउट इंडिया का नंबर वन कॉलेज है। सो इसके बाद बात करें अगर हम दीनदयाल उपाध्याय यानी डीडीयू कॉलेज की, तो यहाँ भी मैंने दो साल की प्लेसमेंट्स ली है। फर्स्ट आपकी 20 एंड 21 की, जिसका हाईएस्ट पैकेज था आपका 10 एलपीए का, राइट। उसके अलावा एवरेज पैकेज है 7 एलपीए, एंड उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 21 एंड 22 की, तो यहाँ पे जो आपका मेडिन पैकेज था वो था 3.7 एलपीए का। तो यहाँ भी आपको जो पैकेज है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर देखिए, अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट है, अगर आप हाईएस्ट पैकेज डिजर्व करते हैं, तो यहाँ पे आप 10 एलपीए का या हो सकता है इससे ज्यादा का भी पैकेज आपको मिल जाए, तो आप ये पैकेज भी टारगेट कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज पैकेज भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है, राइट। एंड उसके अलावा कॉलेज सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉलेज का काफी बढ़िया है, कॉलेज काफी बढ़िया है आपके लिए। अगर आप यहाँ से कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हो, बीएमएस यहाँ से करना चाहते हो, तो काफी बढ़िया, नो डाउट काफी बढ़िया कॉलेज आपके लिए हो सकता है, राइट। एंड चलिए अब बात करते हैं केएमबी यानी केशव महाविद्यालय कॉलेज की, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो साल की प्लेसमेंट्स ली है। फर्स्ट आपकी 18-19 एंड सेकंड है 20 एंड 21 ईयर की, राइट। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पैकेज था जो आपका 18-19 में वो था 6.40 एलपी, एंड एवरेज पैकेज था 2.93 एलपी, राइट। लेकिन अगर वही हम बात करें 20 एंड 21 ईयर की, तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पैकेज था वो था 19.25। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो यार, दो साल में, तीन साल में कितना डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है हाईएस्ट प्लेसमेंट का, एंड वहीं एवरेज प्लेसमेंट में भी काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ की जो एवरेज थी वो थी 6.2 एलपी। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट देख सकते हो यहाँ पे आप, नो डाउट काफी बढ़िया कॉलेज है, जो प्लेसमेंट है वो भी काफी बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो हर साल कंपनीज आती है, हर साल आपको ऑफर मिलते हैं, एंड हर साल प्लेसमेंट अलग अलग लगती है, राइट। एंड बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज काफी बढ़िया है, एंड अगर आप इस कॉलेज से भी बीएमएस कोर्स करना चाहते हो, तो नो डाउट यहां से भी आप अपनी बीएमएस अच्छे से कर सकते हो, राइट। सो इसके बाद कंपेयर करते हैं तीनों कॉलेज की प्लेसमेंट्स को। देखिए यहाँ पे मैंने जो लास्ट ईयर था उन सभी की प्लेसमेंट्स यहाँ पे ली है, तो आप यहाँ भी कंपेयर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही हो सकता है, राइट। अब देखिए सिर्फ प्लेसमेंट के बेसिस पे आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, आपको उसकी सारी चीजें देखनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, अब जो कोर्स करना चाहते हो वो कोर्स वो कॉलेज ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको देखना होता है, राइट। उसके अलावा प्लेसमेंट देखनी होती है, उसके अलावा उस कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सारी चीज आपको देखनी होती है, उसके बाद ही आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, राइट। तो सिर्फ प्लेसमेंट देख के आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना होता है, बाकी की चीजें भी आपको देखनी होती है। बट अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स के हिसाब से मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। सो आप इसमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, बीएमएस बीबीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम आपकी पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन भी करवाते हैं, राइट। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर सिर्फ आपको हेलो सेंड करना है, एंड कोर्स की जितनी भी डिटेल्स है सभी आपको शेयर कर दी जाएंगी, राइट। साथ में आपको डेमो वीडियोज मिल जाती है, आपको डेमो वीडियोज अच्छी लगती है तो आप भी हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं, एंड कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सभी एंट्रेंस एग्जाम के डाउट सॉल्विंग टीम आपकी हेल्प करती है, राइट। उसके अलावा ई बुक्स मिल जाती हैं, जीके वर्बल एंड एलआरडीआई क्वांट्स की, एंड स्टडी का पूरा प्लान आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने अच्छे से बिल्कुल
आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड नेक्स्ट ईयर आप भी बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, राइट। सो आई होप कि हमने इस वीडियो में जितनी भी बातें की सभी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।